वक्त हम खड़े हैं उस स्पॉट पे जहाँ पे कैफियत एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। गाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से डेल हुई है गाड़ी, कई पटरी से डिब्बे उतर गए हैं। ये पूरा जो डब्बा है, कोच है रेलवे का, ये स्लीपर का कोच है और ये पूरा ट्रैक से हट के ये गड्ढे की तरफ चला गया है। और ये बगल में हम दिखाते हैं किस तरीके से जो दूसरा डिब्बा इंजन से जो लजस लगा हुआ था पूरा पलट गया है और इसमें 50 से ज़्यादा पैसेंजर अभी तक घायल हुए हैं और ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेलवे का कहना है कि ये जो रूट है दिल्ली हावड़ा बहुत बेस्ट रूट है, लेकिन फिर भी कल सुबह तक 24 घंटे लग जाएंगे इस ट्रैक को सही करने में। कैमरामैन अमर सोला के साथ मनोज खरे और अय्या। इस वक्त हम कैफियत एक्सप्रेस के उस दुर्घटनाग्रस्त कोच के अंदर आए हैं जो कोच बहुत दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और जो सीधे एक नाला है ट्रैक के बगल से वही इस पर गिर गया है। देखिए उस वक्त जब दुर्घटना हुई है तो कई यात्री स्टेशन आने वाला था, छिंदा तो कोई तैयार हो रहा था उस वजह से हो रही है, तो वो नीचे उतरने के लिए कोशिश कर रहा था, अचानक ये हादसा हुआ। देखिए पैसेंजर इतने उसमें थे कि उनकी चप्पल, उनको पानी की बोतल और वगैरह वगैरह सारा सामान ट्रेन में पड़ा हुआ है। और किस तरीके से ये दुर्घटना सुबह 2:50 पर हुई अचानक, उसके बाद ट्रेन है वो ट्रैक से उतर गई और हाहाकार मच गया। मैं बोल रहा हूँ।